सो गाइस, हमारे पास आज है TVS की राइडर का सुपर स्क्वाड एडिशन और इस वीडियो में हम इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। और ये गाड़ी भाई बहुत ही लेट से हर जगह पर आती है, खास करके मेरे शहर में तो ये गाड़ी बहुत ही लेट आई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, तो इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का पूरा फुल डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं। और ये जो है बिल्कुल ही नया वेरिएंट है 2024 का, जो कि भाई ये जो है E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी का मेन चेंज, जो कि है गाड़ी के कलर्स एंड ग्राफिक्स। तो यार इसका भाई जो टैंक है, इस पर आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स जो कि रहने वाले हैं पर्पल कलर के, और जो ब्रांडिंग है सुपर स्क्वाड एडिशन की वो आपको ग्राफिक पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो कि यार ये जो ग्राफिक है ये आपको मिलने वाला है पर्पल कलर के, और बाइक का जो बॉडी पैनल्स है वो आपको ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा। इधर आपको कुछ मिल जाएंगे लोगो वगैरह, जो कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये आई थिंक जो है भाई सुपर स्क्वाड का कोई लोगो वगैरह होगा। उतने भाई मैं कार्टून में पिक्चर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। टैंक पे आपको मिल जाएगा हॉर्स का 3D में लोगो, जो कि रहने वाला है सिल्वर कलर के साथ। और जो भाई टैंक फ्लैप है, नीचे भी आपको मिल जाएंगे ग्राफिक्स पर्पल कलर के। कुछ ब्रांडिंग आपको यहाँ पर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। बाइक का जो वाइजर है, इधर आपको मिल जाएगा इंडिया का फ्लैग, एवेंजर्स की ब्रांडिंग, साथ ही बाइक कुछ ग्राफिक्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का जो फेंडर है, ग्राफिक्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ओवरऑल भाई जो गाड़ी के बॉडी के पैनल्स हैं वो आपको ब्लैक, मैट ब्लैक कुछ ऐसे मिल जाएंगे। ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे पर्पल, ब्लैक और सिल्वर ग्रे कुछ ऐसे आपको मिलने वाले हैं। साइड के जो पैनल्स हैं, ग्राफिक्स आपको इधर मिल जाएंगे, जो कि यार यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राफिक 66 का। अब पता नहीं ग्राफिक के जो नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं कि नहीं, लेकिन भाई जो वेरिएंट मुझे मिला है इसमें 266 ही लिखा है। साइड के भाई जो पैनल्स हैं, ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी राइडर की, जो कि ये जो है मैट 3D में रहेगा, जो कि रहने वाला है सिल्वर कलर का। बाइक का भाई जो इंजन है वो आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल्ड कूल्ड देखने को मिल जाएगा। और ये जो भाई इंजन है आपको इजीली 115 की टॉप स्पीड दे देता है। माइलेज जो है 60 से 65 दे देता है। इसमें जो है भाई आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता। और भाई इस गाड़ी में आपको मिल जाती है फ्रंट में डिस्क ब्रेक। और ये गाड़ी जो है भाई अभी ABS के साथ नहीं आती है, लेकिन डेफिनेटली आपको भाई ये गाड़ी इस साल मिल जाएगी सिंगल चैनल ABS के साथ। आगे आपको भाई जो टायर मिलता है वो मिलता है 80/17 का। पीछे जो है भाई इस गाड़ी में अभी जो है ड्रम ब्रेक आता है वो आप भाई देख लो क्लियरली, लेकिन बहुत ही जल्द कन्फर्म है भाई कि इस गाड़ी में आपको पीछे डिस्क ब्रेक और फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS कंपनी प्रोवाइड करा देगी। बाइक का यहाँ जो सीट काउल है, इधर आपको मिल जाएंगे कुछ ग्राफिक्स, जो कि यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्पोर्टियर लगने वाला है। और इसका जो सीट है ना वो आपको मिलने वाला है स्प्लिट का, कुछ ब्रांडिंग आपको इधर भी देखने को मिल जाएगी। और इसका जो ग्रैब रेल है वो आपको ग्लॉस पेंट में देखने को मिलेगा, ये ग्रैब रेल मैट में नहीं रहने वाले हैं। और जो ये वाले पैनल्स हैं इस वाले बाइक में, ये भी जो है ग्लॉस में रहेगा, मैट में नहीं रहेगा। बाइक का जो टेल सेक्शन है वो भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इसमें जो है आपको मिल जाती है पीछे LED की टेल लाइट, हेलोजन के टेल लाइट और नंबर प्लेट के लिए आपको लाइट मिल जाती है। इसमें जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करा देती है रिफ्लेक्टर्स, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जो बाइक का एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बल्कि साउंड प्रोवाइड करा देते हैं। पीछे का जो टायर का साइज है वो एक बार चेक करना तो बनता है। पीछे आपको टायर मिल जाएगा 100/90/17 का, और ये टायर से जो है ट्यूबलेस रहने वाले हैं। अभी आपको पीछे मिल जाता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। अब आते हैं गाड़ी के नेक्स्ट साइड, तो इधर आपको जो है मिल जाता है साड़ी गार्ड वगैरह। फुट पिजेस आपको मिल जाते हैं फोल्डेबल दोनों ही, ये वाला भी फोल्ड होता है और ये तो फोल्ड पहले से है। साड़ी गार्ड मिल जाता है। जो गाड़ी का चेन कवर है वो आपको ओपन्ड मिलेगा, वो आपको सील्ड नहीं मिलेगा। अगेन सेम ग्राफिक्स आपको कंपनी इधर भी प्रोवाइड करा देती है, तो वो सब तो सेम ही रहने वाला है। काउल वगैरह आपको मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक वर्क के साथ मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों मिल जाएगा, इंजन किल स्विच मिल जाएगी। और इस गाड़ी का जो भाई पूरा लुक है ना, एक बार वो आप चेकआउट कर लेना। इधर जो भाई आपको मिल जाएगा डिजिटल मीटर, जो कि आप देख सकते हैं। फीचर्स काफ़ी सारे मिलते हैं और ये बहुत ही कलरफुल डिस्प्ले है।
और इसमें जो भाई कुछ मोड मिल जाते हैं, पावर, इको, सेल्फ स्टार्ट, नॉन एडजस्टेबल लीवर्स, इधर जो है आपको मिल जाएगा हॉर्न, इंडिकेटर, पास, अपर डिपर मिल जाएगा। गाड़ी में आपको कुछ ऐसी मिल जाती है नॉर्मल सी की, ये वीओ की के साथ नहीं आती है। इधर जो है आपको मिल जाएगा मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट। फ्रंट में आए तो इधर आपको मिल जाता है आर का ब्रांडिंग, टीवीएस का लोगो और एलईडी के हेडलाइट, एलईडी के डीआरएल्स। तो ये जो है फुल बाइक का ओवरऑल डिटेल रिव्यू था। बाकी जो भी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन बची होगी, जैसे कि प्राइस, कॉन्टैक्ट नंबर शोरूम का, वो सब मैं नीचे लिख के डाल दूंगा, वो सब आप कॉल करके पता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।